बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो दर्स है उसको तस्हीह कहते हैं। रद्द का बयान हम इंशाअल्लाह बाद में पढ़ेंगे, आज हम तस्हीह के बारे में पढ़ेंगे। तस्हीह क्या है? अरबी में इसको तस्हीह और इनकिसार लिखा होता है, और वैसे हमारी उर्दू की किताबों में तस्हीह। सखखा युसखिखो, तस्हीह हो, तस्हीह मस्दर है, फेल सखखा युसखिखो आता है, जिसका मतलब होता है दुरुस्तगी करना किसी चीज़ के अंदर। गलती हो तो उसकी दुरुस्तगी कर देना, या कोई प्रॉब्लम हो तो वहाँ पे दुरुस्तगी कर देना। ठीक, बुनियादी तौर पे तस्हीह का कायदा इस मकसद के लिए होता है कि जब हम वारसों को उनके हिस्से देते हैं तो वारसों की तादाद और हिस्सों के दरमियान आपस में कुछ मसाइल आते हैं। वो ये होते हैं कि बाज़ अक़ात वारसों की तादाद पर उनका हिस्सा पूरा नहीं बांट पाता। मसलन उनको हिस्से मिले हैं तीन और वारसों की तादाद है चार, हिस्से मिले हैं चार और वारसों की तादाद है पाँच, हिस्से मिले हैं चार वारसों की तादाद है छः, नौ, आठ। अब ये उनको बराबर तकसीम नहीं हो पाते, तो इसके लिए फुकाहे कराम ने कुछ कवायद बयान किए हैं। इसके दो तरीके हैं, एक तो हमारी जो फ़िक़्ह की किताबों में दर्ज हैं, लंबा तरीका है जो मैं आपको थोड़ा समझा दूंगा, और एक आसान तरीन चीज़ है कि जिसमें गलती के इम्कान भी नहीं होते और दुरुस्त भी होता है। ये सिर्फ मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि ये हमारी किताबों के अंदर लिखा हुआ है, तो अगर आप इसको समझना चाहें तो एक लेक्चर हम इस पे बयान कर देते हैं तस्हीह क्या है, ठीक, ताकि उससे भी आदमी देखना चाहे तो उसको समझ सके। इसके लिए चार इस्तलाहात का जानना ज़रूरी है। पहले एक को तसावी कहते हैं, दूसरे को तदाखुल कहते हैं, तीसरे को तवाफुक कहते हैं, चौथे को तबायुन कहते हैं। ये चार चीज़ें हैं, तसावी, तदाखुल, तवाफुक, तबायुन। तसावी होता है कि दो अदद एक जैसे हों, जैसे तीन है, तीन है, दो दो, चार चार, बारह बारह, अठारह अठारह, एक जैसे अदद, इसको तसावी कहते हैं मुसावात से। तदाखुल ये होता है कि दो अदद मुख्तलिफ हों लेकिन बड़ा अदद छोटे अदद पे पूरा पूरा तकसीम हो जाए, जैसे चार आठ है या दो और चार है। अब आठ चार पे पूरा तकसीम हो जाता है, हम चार का पहाड़ा गिनेंगे, टेबल गिनेंगे, चार दुने आठ आ जाएगा, दो दुने चार आ जाएगा, चार सोलह है, चार बीस है। तीसरा तवाफुक, तवाफुक ये होता है कि दो अदद मुख्तलिफ हों, एक जैसे भी ना हों, मुख्तलिफ हों लेकिन बड़ा अदद छोटे पे पूरा तकसीम ना होता हो। हाँ, अलबत्त ये हो कि एक और अदद तीसरा अदद उस पे ये दोनों तकसीम हो जाते हों, उस तीसरे पे ये सही तौर पे तकसीम हो जाते हों। ठीक, जैसे मिसाल के तौर पर आठ और बारह है। अब बारह आठ पे तकसीम नहीं होता लेकिन दो ऐसा अदद है कि जिस पे दोनों तकसीम हो जाते हैं, आठ भी पूरा और बारह भी पूरा, जैसे नौ और बारह है। अब बारह नौ पे पूरा तकसीम नहीं होता लेकिन तीन ऐसा अदद है, नौ भी उस पे पूरा तकसीम, बारह भी उस पे, इसको तवाफुक कहते हैं। इसमें ये देखा जाता है आठ और बारह में नस्बत क्या है, इस नस्बत को वफ़्क कहते हैं। वफ़्क तवाफुक से ही बना है, वो फा काफ वफ़्क कहते हैं। आठ और बारह कौन सा अदद ऐसा है कि जिस पर दोनों तकसीम होते हैं, दो, और दो एक बटा दो की तरफ मतलब एक इशारा करता है, तो हम कहेंगे आठ और बारह में एक बटा दो यानी आधे का वफ़्क है। आठ और बारह में दो यानी एक बटा दो आधे का वफ़्क है। नौ और बारह में क्योंकि तीन का अदद दोनों पे इस पे तकसीम होते हैं, हम कहेंगे नौ और बारह में एक बटा तीन यानी तहाई का वफ़्क है। आठ और बारह में आधे का वफ़्क होगा एक बटा दो का, और इन में
तहाई का वफ़ कहलाएगा। तीसरी चीज़ है कि दो अदद मुख्तलिफ हों, ना बड़ा छोटे पे तकसीम होता हो, ना को तीसरा अदद ऐसा हो कि जिस पे दोनों तकसीम होते हों, इसको तवाजुन कहते हैं। जैसे 3 और 7 हैं, 4 और 7 हैं, 5 और 7 हैं, 6 और 7 हैं, 4 और 9 हैं, 5 और 9 हैं, ठीक। अब इनका ये मसला है आपस में कि ना तो बड़ा छोटे पे तकसीम हो रहा है, ना दूसरा ऐसा अदद है मुश्तराक जिस पे दोनों तकसीम हो, इसको कहते हैं तबायुन। 3 और 7 में तबायुन है, 4 और 5 में तबायुन है, 4 और 7 में तबायुन है, ठीक, 6 और 7 में तबायुन है। इस तरह ये 4 इस्तिलाह हैं जिनका जानना ज़रूरी होता है, ठीक। इन इस्तिलाहात के जानने के बाद आप इनको जहन में रख लें कि ये इस्तिलाहात हैं क्या थी। उसके बाद हम आ जाते हैं कि वारसों पर उनके हिस्से पूरे तकसीम नहीं होते। उसके लिए मैंने कुछ मिसालें ली हैं। मसलन पहली एक मिसाल है कि पूरे तकसीम हो जाने की मिसाल आपको देता हूँ। माँ बाप हैं, 2 बेटियाँ हैं, आदमी फौत हुआ, एक आदमी फौत हो गया, उसकी माँ भी है, बाप भी है, उसकी 2 बेटियाँ भी हैं। अब माँ बाप को क्या मिलता है जब बेटियाँ हों? तो माँ को मिलता है 1/6, बाप को 1/6 असाबे फरूज में, बाकी इस पर में चला जाता है, बेटियों को 2/3। असल मसला क्या बनाएंगे? असल मसला 6 आएगा। क्यों? उसकी वजह ये होती है कि ये आपस में एक जैसे आ जाएं, 1/6, 1/3 के साथ, 2/3 के साथ, तो जो बड़ा अदद होता है उससे मसला किससे बनेगा? 6 से। असल मसला हमने बना दिया 6। अब 6 से 1 ऐसा दिया, 6 ऐसा दिया, माँ को 1, 1 ही बाप को, और इनको 2/3, यानी 6 तकसीमें 3 जवाब आया, 2 ज़रब 2 जवाब आया 4, तो हमने 6 का 2/3 यानी 4 दिए, तो ये साहबे फरूज में माल पूरा तकसीम हो गया। अब कितनी बेटियां क्या हैं? 2, और हिस्से कितने मिले हैं? 4। अब 4 2 पे पूरा तकसीम हो जाता है, इसे तसावी कहते हैं। हमारे लिए कोई मसला नहीं होगा, हम आधा एक बेटी को 2, एक बेटी को 2 दूसरी बेटी को दे देंगे। अब ये जो सूरत है कि वारसों पर उनके हिस्से पूरे तकसीम नहीं होते, इनकी कोई 6-7 सूरतें बनती हैं। पहली 2-3 सूरतें ऐसी होती हैं कि एक ही किस्म के वारसों पर उसके हिस्से तकसीम ना हो, बाकियों पे तकसीम हो जाए। और दूसरे 4 कायदे ये होते हैं कि ज़्यादा वारसों पे उनके हिस्से तकसीम ना हो, ज़्यादा वारसों में मसला बने। पहली सूरत होती है, दूसरी तीसरी, कि एक ही किस्म के वारसों में मसला बने, माँ बाप में कोई मसला नहीं, बेटियों में मसला बनता है। अब इसकी मैं मिसाल देता हूँ कि पूरी तरह तकसीम ना हो पाए, ठीक। उसकी मिसाल हम देते हैं कि यहाँ पे हमारे पास है 10 बेटियाँ हैं। ये मिसाल आ जाती है माँ बाप और 10 बेटियाँ, हमने माँ बाप, इनका हिस्सा तो वही आएगा 1/6, 1/6, 2/3। असल मसला हमने बनाया 6, 6 से 1 दिया माँ को, 1 दिया बाप को, 4 दिए बेटियों को। अब बेटियों को हिस्से मिले 4, और बेटियाँ कितनी हैं? 10। अब 4 10 पे पूरा तकसीम नहीं होगा। अब हमने ये इस्तिलाहात देखनी है कि 4 और 10 में क्या पाया जाता है, क्या 4 10 एक जैसे हैं? नहीं। क्या 10 4 पे पूरा तकसीम हो जाता है? नहीं, तदाखुल भी नहीं। तो फिर क्या तीसरी सूरत है तवाफ़ों के कोई दूसरा अदद है जिस पे तकसीम हो जाए? बिल्कुल, 2 ऐसा अदद है कि 4 भी उस पे तकसीम हो जाता है और 10 भी। इसको कहते हैं अदद रुऊस, यानी वारसों की तादाद, रास से रुऊस, रास मुराद वारस, और इसको कहते हैं सिहाम, अदद सिहाम, हिस्से। हिस्से और वारसों की तादाद में नस्बत हमने देखी, तसावी नहीं थी, तदाखुल नहीं था, तवाफुक था,
और हमने कहा था कि अगर दो पे तकसीम होंगे तो हम कहेंगे चार और दस में आधे का तवाफुक है, चार और दस में आधे का तवाफुक है, तो हम ये जो अदद रुऊस होंगे वारसों की तादाद उसका आधा ले लेंगे, और वो क्या बनता है, पाँच। हम इस पाँच को असल मसला से ज़रब देंगे। हमने ये पाँच क्यों लिया, इसलिए कि बेटियों की तादाद थी दस, हिस्से थे चार, हिस्सों और वारसों की तादाद के दरमियान क्या आया, तवाफुक आया, तवाफुक किसका, आधे का आया, तो हमने जो बेटियों की तादाद थी उसका आधा यानी पाँच ले लिया। इस पाँच को हमने ज़रब दी असल मसला के साथ, छः के साथ हमने ज़रब दी, जवाब आया तीस। अब इस तीस से हमने हिस्से निकालने हैं, कैसे निकालेंगे, ये जो हिस्से मिले हुए ना इन्हीं पाँच को जैसे उधर ज़रब दी थी असल मसला के साथ, इसी पाँच को इधर भी ज़रब देंगे, पाँच ज़रब एक पाँच, माँ को मिले पाँच हिस्से तीस में से, बाप को भी मिले पाँच, और पाँच ज़रब चार बीस। पहले क्या था, असल मसला छः था, हिस्सा एक एक और चार आया था, अब असल मसला तीस हो गया, माँ को एक बजे पाँच आ गए, बाप को एक हिस्से की बजाय पाँच आ गए, और बेटियों को दस आ गए, बीस आ गए। अब दस बेटियाँ बीस हिस्से आपस में अच्छे अच्छे दुरुस्त तौर पर तकसीम है हो जाएंगे कि दो हिस्से एक बेटी को मिल जाएंगे। ये आया था तवाफुक की सूरत, और मसला पता है वारसों की एक ही सूरत में था, सिर्फ माँ बाप में मसला नहीं था, तीन किस्म के वारस हैं, माँ है, बाप है, बेटियाँ हैं। मसला कहाँ पे था, बेटियों में। तो हम अभी पढ़ रहे हैं कि वारसों की एक ही किस्म में मसला पैदा हो, दो या दो से ज़्यादा में ना हो। तो इसकी पहली सूरत थी इनमें तवाफुक आ गया। एक सूरत ये होती है कि इनमें तवाफुक की बजाय तबायुन आ जाता है, मसलन बेटियां यहाँ पे दस की बजाय हम पाँच कर देते हैं, किसी की पाँच बेटियां हैं, ठीक। अब हमने देखा चार हिस्से मिले, बेटियां पाँच हैं, क्या चार हिस्से पाँच बेटियों में पूरे तकसीम होते हैं, नहीं हो पाते। फिर हमने नस्बत देखी, चार और पाँच में क्या नस्बत है, हमने कहा तबायुन है, बिल्कुल जुदा जुदा हैं, ना बड़ा छोटे पे तकसीम हो रहा है, ना कोई दूसरा अदद है जिस पे ये तकसीम हो, तो ये तबायुन आ गया। तबायुन आए तो हम पूरे अदद को ले लेंगे, हमने पूरे पाँच को ले लिया, इस पाँच को हमने ज़रब दी असल मसला के साथ, तो जवाब आया तीस। अब इसी पाँच को हमने ज़रब दी यहाँ पर हिस्सों के साथ, पाँच पाँच और बीस। ये सूरत होती है कि वारसों की एक किस्म के अंदर मसला हो, या तो तसावी होगी, जितने वारस इतना ही हिस्सा, या तदाखुल होगा कि वारस चार हिस्से आठ आ गए, आठ चार पे दुरुस्त तकसीम, या तवाफुक होगा वारस दस हिस्से चार तो हम वुफ्क लेंगे फिर आधा, या फिर तबायुन होगा वारिस पाँच हिस्से चार तो हम पूरा का पूरा अदद ले लेंगे, जो वारसों की तादाद है उसको इधर भी ज़रब देंगे और इसको हिस्से के साथ भी ज़रब देंगे। ये आधी सूरत थी तसही की। तसही का मतलब क्या था, बताया था कि हिस्सों को दुरुस्त करना के वारसों पर उनके हिस्से पूरे तकसीम ना हो, तो हम उसकी क्या करें, तसही करें, ऐसी सूरत इख्तियार करें कि वारसों को उनको पूरे पूरे हिस्से मिल जाए। यहाँ तक बात थी कि वारसों को उनके हिस्से जो मसला बनता था वो एक किस्म के वारसों का मसला बनता था, एक से ज़्यादा में मसला नहीं बनता था। अब दूसरी चीज़ हमारे पास आ जाती है कि एक से ज़्यादा वारसों में मसला बनता है, हमारे पास लड़कियाँ हैं, दादियाँ हैं और चचे हैं, लड़कियां भी हैं, दादियां भी हैं और चचे, लड़कियां छः, दादियां तीन, चचे भी तीन, छः लड़कियां तीन तीन,
ये जो चार कायदे हम पढ़ेंगे तस्हीह के, इसमें ये होता है कि एक से ज़्यादा वारसों के अंदर मसला बने, एक से ज़्यादा। फिर जब हम उनकी वारसों की तादाद और इनके हिस्से, इनकी नस्बतें निकालने के बाद जब अदद लाएँ, तो वारसों की तादाद जो बनती है इनके अददों के दरमियान आपस में जो नस्बत आए वह नस्बत तसावी की हो। नस्बत किसकी हो? तो हम एक ही अदद को ले लेंगे, मिसाल के तुम्हारे पास लड़कियां हैं छः, दादियां हैं तीन, चचे हैं तीन। पहले हमने तकसीम करना है विरासत, लड़कियां जब एक से ज़्यादा हों तो उनको क्या मिलता है? दो बटा तीन दे दिया, दादियों को एक बटा छः, चचे असबात में आते हैं। असल मसला क्या बनेगा? दो बटा तीन एक बटा छः आ जाए तो मसला छः से बनेगा, क्योंकि एक ही जिन्स की एक बटा छः दो बटा तीन के साथ आएगा, ये एक बटा तीन के साथ मसला कैसे आएगा? न से बड़े अदद के साथ हमने असल मसला बना दिया छः। अब छः से हमने दो बटा तीन दिए तो छः का दो बटा तीन चार, छः का एक बटा छः एक, चार जमा एक पाँच, पीछे कितने बचे? एक बचा, एक हमने दे दिया चचे को, क्योंकि चचा असबा था, असाब फरूज को पाँच से मिल गए, कुल से थे छः, एक हमने दे दिया इधर। अब हमने देखा कि पहले जो वारस हैं लड़कियां हैं उनकी तादाद छः है, हिस्से उनके चार हैं, दादियां तीन है, हिस्सा उनका एक है, चचे तीन है, हिस्सा उनका एक है। अब हम इनके जो सिहाम हैं, हिस्से हैं और तादाद है, इनमें नस्बत पहले देखेंगे। चार और छः में क्या है? तवाफुक है, तसावी नहीं है, तदाखुल नहीं है, तवाफुक है। दो का अदद ऐसा है कि जिस पे चार भी बराबर तकसीम होता है और छः भी। तो जब तवाफुक होता है और तवाफुक भी दो का हो, उसका मतलब होता है आधे का तवाफुक, तो हमने छः का आधा ले लिया, यानी तीन ले लिए हमने, ये नीचे तीन लिख दिए। उसके बाद हमने दादियों का हिस्सा और दादियों की तादाद देखी, हिस्सा एक तादाद तीन। एक और तीन में क्या है? न तसावी, न तदाखुल, न तवाफुक, बल्कि तबाजुन है। हमने पूरा अदद दादियों का ले लिया, यानी दादियां तीन थी, हमने पूरे तीन ले लिए। चचे तीन हैं, हिस्सा एक है, हमने पूरे चचों की तादाद तीन ले ली। अब जब हमने दूसरा काम किया, पहले ये था कि हिस्सा और तादाद, हिस्सा और तादाद, हिस्सा और तादाद, ये नस्बत देखनी है, ठीक। उसके बाद फिर इन जो अदद हमारे पास हैं कि इनकी आपस में नस्बत देखनी है, आपस में नस्बत क्या है? तीन तीन तीन, यानी तसावी। हम एक ही अदद को ले लें, हम एक ही, या हम इनका दो अदाफे अकल भी निकाल सकते हैं, वो भी निकालेंगे तो तीन। तुम्हारे पास कुल तीन आया, हमने उस तीन को ज़रब दी छः के साथ, जवाब आया अठारह। इसी तीन को हमने ज़रब दी चार के साथ, जवाब आया बारह। एक के साथ तीन तीन। अब छः लड़कियों को मिले बारह हिस्से, बराबर तकसीम होंगे। तीन दादियों को मिले तीन हिस्से, तीन चचों को मिले तीन हिस्से। पहले हमने करना था कुल माल तकसीमें छः, ज़रब चार आप करेंगे कुल माल तकसीमें अठारह, असल मसला अठारह बन गया, ज़रब बारह। कुल माल तकसीमें अठारह, ज़रब तीन, ज़रब तीन, पूरे पूरे हिस्से निकल के मारे सामने आ जाएंगे। ये थी पहली सूरत जब एक से ज़्यादा वारसों के हिस्सों और उनकी तादाद के दरमियान मसला हो, बराबरी ना आ पाए। तो फिर इसकी पहली सूरत यह है कि तसावी आएगी आखिर पे, दूसरा तदाखुल आता है। सूरत हमारे पास एक और, बीवियां छः, यहाँ पे हम काट देते हैं और बीवियां छः लिख देते हैं। छः बीवियां हमारे पास, दादियां तीन, चचे बारह। पहले हमने इनके हिस्से बनाने हैं। अब बीवियों को क्या मिलता है? औलाद हो तो आठवां,
ना हो तो चौथा, हम बीवियों को चौथा देंगे, मैयत की कोई औलाद है नहीं है, दादियों को 1/6 देंगे। अब क्या होगा, अब हम असल मसला निकालेंगे। वो कैसे निकलेगा, 4 ऊपर वाला नीचे वालों के साथ आ जाए तो मसला क्या बनेगा, 12। और इनका दुआफ़े कल भी निकालें तो क्या आएगा, 12। हमने असल मसला बना दिया 12 में से 1/4 ये नहीं 3 दिए इधर, 1/6 ये नहीं 2 दिए इधर, 3 जमा 2 5 हो गए, पीछे कितने बचे, 7। असाबे फरूज को देने के बाद पीछे 7 बचे, वो 7 किसको दे दिए, चचे को। अब हमने देखा कि ये वारसों की तादाद और हिस्सों के दरमियान नस्बत देखेंगे, 3 और 6 में क्या है, 3 तदाखुल है, ठीक तदाखुल है। अब क्या होगा, हम पूरा 6 ले लेंगे, और इधर 3 है इधर 2 है तबाजुन है, हम पूरा 3 ले लेंगे, और 12 और 7 में क्या है, तबाजुन, बीवियाँ यहाँ पे 6 नहीं बल्कि बीवियाँ 4 आती थी तो मसला हमारा दुरुस्त हो जाएगा, बीवियाँ 4 थी, 3 और 4 में क्या था, तबाजुन, 4, 3 और 12 हमारे पास आ गए। अब 4, 3 और 12 को आपस में नस्बत देखेंगे या इनका 2 अदाफ़े अकल निकालेंगे तो 12 आएगा, क्योंकि 4 और 12 में देखें तो बराबर तकसीम होता है, जब तदाखुल हो गया तो हमने बड़ा अदल ले लिया, 12 और 3 में देखा तो 12 3 पे पूरा तकसीम होता है तो फिर भी हमने 12 ले लिया। और अगर हम इनका 2 अदाफ़े अकल भी निकाल लें तो हम कहेंगे ये 4, 1, 4, 2, अगर 4 भी यहाँ पे लगाएं, 2, 1, 2 और 2, 3 × 6 × 12, हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, इंजामकार 12। इस 12 को हमने उस 12 से ज़रब देनी है, 12 ज़रब 12 144। अब इसी 12 को यहाँ से ज़रब देंगे, 12 ज़रब 3 36, ये 36 बीवियों के से आ गए, 12 ज़रब 2 24 दादियों के से आ गए, और 12 ज़रब 7 84। अगर आप 84 जमा 24 जमा 36 करेंगे तो 144 आ जाएगा। अब देखें कि 4 बीवियों को 36 हिस्से आए, तकसीम बराबर दस्त आएगी, हर बीवी को 9 हिस्से मिल जाएंगे, 3 दादियों को 24 हिस्से आए, हर दादी को 8 हिस्से मिल जाएंगे, 12 चचों को 84 आए, हर दादे को 7 हिस्से मिल जाएंगे, ठीक। ये दूसरी सूरत थी, वो क्या थी कि बुनियादी तौर पर ये जो अदद थे इनके दरमियान तदाखुल था, 12, 3 और 4 में क्या था, तदाखुल था, ठीक है। उसके बाद हम तीसरी सूरत पढ़ते हैं जिसमें तवाफुक होगा, ठीक। तीसरी सूरत यह है कि बीवियां 4 लड़कियां 18 दादियां 15, हम दरमियान में लड़कियां भी ले आते हैं 18 दादियां 15 और चचे 6 बनते हैं। अब सूरत क्या होगी, हमारे पास 4 बीवियां हैं, 18 लड़कियां हैं, 15 दादियां हैं, 6 चचे हैं। पहले तो हम इनके हिस्से निकालेंगे असल मसला बनाने के लिए, बीवियों को क्या मिलेगा, अब 1/8 मिलेगा, क्यों, लड़कियां हमारे पास आ गई हैं, 1/8 बीवियों को दे दिया, लड़कियों को क्या दिया, 2/3, दादियों को 1/6, चचे असबा, असल मसला क्या आएगा, 24, 1/8 नीचे वालों के साथ आ जाए मसला 24 बना, 24 में से 8वां ऐसा ये नहीं 3 दिए, 24 में से 2/3 16, 4 दादियां 1/6 था, 24 में से इनको क्या आया, 4,
सोलह चार बीस जमा तीन तेईस, पीछे एक बचा चचों के लिए। अब हमने पहले इनकी आपस में नस्बत देखनी है, तीन और चार में क्या है, तबायुन है, हमने पूरा चार ले लिया। सोलह और अठारह में क्या है, लड़कियों के हिस्से सोलह, तादाद अठारह है, इनमें तवाफुक है। दो का अदद ऐसा है जिस पे सोलह भी तकसीम होता है आठ भी, तो आधे का तवाफुक हुआ, हमने लड़कियों की तादाद का आधा यानी नौ ले लिया। हमने चार और पंद्रह में देखा तबायुन था, हमने पूरा पंद्रह ले लिया। हमने एक और छः में देखा तबायुन था, हमने पूरा छः ले लिया। अब इनकी आपस में हमने नस्बत देखनी है, तो इस नस्बत में तवाफुक आएगा, ठीक है। इस नस्बत में क्या आएगा, पहले हम अगर चार और छः को देख लें, एक सूरत तो हम जू अदाफिया कल निकालें, वैसे चार और छः को आपस में देखें हम तो क्या आता है, तवाफुक आता है। दो पर दोनों तकसीम होते हैं ना, तो हमने चार या छः में से एक का हमने क्या ले लिया, वफ, छः का वफ यानी ले लिया आधा। तीन, तीन और नौ में देखा तो क्या था, तदाखुल था, हमने पूरा नौ ले लिया। नौ और पंद्रह में देखा आपस में तो तीन का क्या है, तो हमने इसका ले लिया। तो अब हम इसका यूं करके भी निकाल सकते हैं, क्या आया, दो पाँच तीन चार, दो एक पाँच तीन दो। अब हमारे पास है तीन ज़रबे दो ज़रबे पाँच ज़रबे तीन ज़रबे दो, तीन ज़रबे दो छः पाँच तीस, तीस ज़रबे तीस नवे, नवे ज़रबे दो एक सौ अस्सी, हमारे पास आया एक सौ अस्सी। इस एक सौ अस्सी को चौबीस से ज़रब देनी है, एक सौ अस्सी ज़रबे चौबीस करेंगे तो चार हज़ार तीन सौ बीस आएगा, चार हज़ार तीन सौ बीस। इसी एक सौ अस्सी को तीन से ज़रब देंगे, पाँच सौ चालीस मिलेंगे इधर। सोलह से ज़रब देंगे, एक सौ अस्सी ज़रब सोलह, दो हज़ार आठ सौ अस्सी, अट्ठाईस सौ अस्सी लड़कियों को मिले। चार से ज़रब देंगे सात सौ बीस, और एक से देंगे तो एक सौ। अब हमारे पास बीवियों के पाँच सौ चालीस हिस्से हो गए, जो इनको बराबर मिल जाएंगे। चार बीवियों को अगर तकसीम करेंगे, लड़कियों को अठारह लड़कियाँ अट्ठाईस सौ अस्सी हिस्से मिले, एक सौ सात सौ बीस हिस्से दादियों को मिले, और एक सौ अस्सी हिस्से चचों को मिले। इसी तरह एक सूरत आ जाती है इसमें, जहाँ पे तादाद सिर्फ मुख्तलिफ होगी थोड़ी, वो ये है कि बीवियाँ दो हो जाएंगी, लड़कियाँ दस हो जाएंगी, दादियाँ छः दस, छः चचे सात हो जाएंगे। अब बीवियाँ तक सात, उनको एक बटा आठ ही आएगा, यहाँ भी दो बटा तीन, दादियों को एक बटा छः। असल मसला किससे बनेगा, चौबीस ही होगा, चौबीस में से एक बटा आठ दादियों को दिया, तीन सोलह चार, पीछे एक बचा। अब हमने इनमें नस्बत देखी, तीन और दो, बीवियों की तादाद दो है, हिस्से उनके तीन है, तबायुन हमने पूरा दो ले लिया। लड़कियां दस से सोलह, इनमें क्या आएगा, तवाफुक आधे का, हमने लड़कियों का आधा यानी पाँच ले लिया। चार और छः में भी वही, हमने तीन ले लिया छः का आधा। एक और सात में तबायुन, हमने पूरा सात ले लिया। अब इनकी आपस में नस्बत देखेंगे, इनमें भी तबायुन है, दो पाँच तीन सात में तबायुन है। अब हम क्या करेंगे, इनको आपस में ज़रब देंगे पूरी पूरी, पाँच को दो ज़रब देंगे दस हो जाएंगे, दस को तीन से ज़रब देंगे तीस हो जाएंगे, तीस को सात से ज़रब देंगे तो दो सौ दस। अब हमारे पास अदद आया दो सौ दस का, इस दो सौ दस को हम चौबीस से ज़रब देंगे, जो असल मसला है,
210 ضربے 24 کریں گے 5040۔ اسی طرح اب ہم 210 ضربے 3 کریں گے تو بیویوں کا حصہ نکل آئے گا 630۔ 16 کے ساتھ ضرب دیں گے 3360۔ اسی طرح یہاں پر 840 اور 210۔ یہ مقصد ہے تصحیح کا کہ وارثوں کو ان کے حصے پورے تقسیم نہیں ہوتے۔ یہ ایک مشکل مرحلہ ہے کہ جس کو کتابوں سے سمجھنا بہت مشکل ہے۔ میں نے اس کو شارٹ طریقے سے حل کر دیا۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کتاب سے سمجھیں اور اس طریقے سے وراثت کو حل کریں، ٹھیک ہے۔ دوسرا بالکل شارٹ طریقہ ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ جو حصے آتے ہیں نا، 3 حصے ملے 2 بیویوں کو، 16 حصے ملے 10 لڑکیوں کو، بنیادی طور پر یہ حصے تو وراثت کی تقسیم کے لیے فرضی صورت ہوتی ہے۔ اصل تو ہم نے جائیداد تقسیم کرنی ہوتی ہے۔ آپ اس لمبے اگر کام میں نہیں پڑھنا چاہتے تو شارٹ ترین طریقہ یہ ہے کہ یہ جو تصحیح کے ہم نے 7 کے قریب قاعدے پڑھے ہیں، 3 تب پڑھے تھے جب ایک وارث کے عدوں میں اور حصوں میں مسئلہ آئے، اور 4 قاعدے پڑھے ہیں ایک سے زیادہ وارثوں اور ان کے حصوں میں مسئلہ آئے، ان 7 قاعدوں کو چھونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اس کے بغیر بھی جائیداد کی تقسیم بالکل درست طریقے سے کر سکتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ہم سب کو مٹا دیتے ہیں، ہمارے پاس تھی مثال کے طور پر یہ 2 بیویاں تھیں، 10 لڑکیاں تھیں، 6 دادیاں تھیں، 7 چچا تھے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم نے ان کے پہلے حصے نکالے، 1/8، 2/3، 1/6 آیا چچا اسبا میں۔ پھر ہم نے کہا کہ اصل مسئلہ 24 آئے گا، 24 اصل مسئلہ بھی ہم نے بنا لیا۔ 24 میں سے بیویوں کو ملے 3، 16 4 1۔ آپ نے اصل میں کیا کرنا ہے، 3 کو تقسیم نہیں کرنا۔ اصل میں آپ کے پاس کل رقم ہے یا کل جائیداد ہے، آپ کے پاس مثال کے طور پر 24,000 روپیہ موجود ہے جو آپ نے تقسیم کرنا ہے۔ وہ آدمی جو مر گیا ہے، جس کی 2 بیویاں تھیں، 10 لڑکیاں تھیں، 6 دادیاں تھیں، 7 چچے تھے، اس آدمی نے کل 24,000 روپیہ چھوڑا جو آپ نے تقسیم کرنا ہے۔ آپ کیسے کریں گے؟ آپ کل رقم تقسیم اصل مسئلہ ضرب حصہ کر دیں گے۔ ہم 24,000 تقسیم 24 کرتے ہیں، جواب 1,000 آتا ہے، 1,000 ضرب 3 کرتے ہیں، 3,000، 3,000 2 بیویوں کو، 24,000 کل رقم تقسیم اصل مسئلہ، جواب آیا 1,000، 1,000 ضرب 16,000، 4,000، 1,000۔ اب کیا آیا؟ 16 × 4 20,000، 23,000، 24,000، پورا تقسیم ہو گیا۔ اب آپ نے 2 بیویاں ہیں تو ان کو آپ نے 3,000 روپیہ تقسیم کرنا ہے، تو کوئی مشکل نہیں، 1500 روپیہ ان کو آ جائے گا۔ آپ کے پاس 10 لڑکیاں ہیں، 16,000 روپیہ آپ نے ان کو تقسیم کرنا ہے، تو آپ 16,000 تقسیم 10 کر لیں۔ آپ کے پاس جواب حاضر۔ آپ کے پاس 6 دادیاں ہیں، 4,000 روپیہ ہے، آپ 4,000 تقسیمیں 6 کر لیں، روپیوں کی صورت میں، پیسوں کی صورت میں جواب آپ کے سامنے۔ آپ کے پاس 7 چچے ہیں، 1,000 روپے ہے، 1,000 تقسیمیں 7 کر لیں، جواب آپ کے سامنے۔ جو اصل جائیداد آپ نے تقسیم کرنی تھی وہ کتنے آسان طریقے سے، بغیر تساوی، تداخل، توافق، تباین، بغیر ان کی آپس میں نسبتیں، پھر ان کی آپس میں پھر نیچے آ کے نسبتیں، پھر ان نسبتوں کے کل کو ضرب، پھر ادھر ضرب، اس لمبا پروسیس جو ہم نے 7 صورتیں بیان کی ہیں تصحیح کی، ان 7 صورتوں کو ہاتھ لگائے بغیر آپ بالکل آسان 1 منٹ میں ساری جائیداد کو تقسیم کر سکتے ہیں، اور جو جواب وہاں پہ آئے گا وہی جواب یہاں پر بھی آئے گا۔ جتنی صورتیں میں نے آپ کو بیان کی ہیں، تمام صورتوں میں وراثت اگر 24,000 رکھ کے تقسیم کریں گے، اس ڈائریکٹ طریقے سے تقسیم کریں گے، یہ پھر بھی بیویوں کو 3,000 ہی ملنا ہے، پھر بھی 16 ملنا ہے، پھر بھی 4 ملنا ہے، پھر بھی 1,000 ملنا ہے۔ اس لیے اگر آپ اس کو سمجھنا چاہیں تو ویسے سمجھیں، اگر جائیداد کی تقسیم کرنا چاہیں تو آپ شارٹ طریقے سے اس کی تقسیم کر سکتے ہیں۔ وما علی اللہ بلا فرمان۔